नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। ग्रेटर नोएडा में त्योहारों को लेकर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बाजारों में पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। गुरुवार रात को ऐसा भी नजारा देखने को मिला, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने पैदल मार्च किया। संदिग्ध वाहनों को चेक किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर सभी जोन के डीएसपी एडीएसपी के नेतृत्व में एसपी और थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की। इस दौरान सड़क, मॉल, सराफा की दुकानों, मेट्रो स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए शराब के ठेकों के आसपास भी होटल, रेस्टोरेंट और दुकानदारों को बिना लाइसेंस की किसी भी व्यक्ति को बैठाकर शराब ना पिलाने की चेतावनी भी दी। फ्लैग मार्च के दौरान महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करते हुए उन्हें पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। बाजारों में महिलाओं की भीड़ को देखते हुए डीसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा इकाई गश्त किया। महिला सुरक्षा इकाई के सदस्यों ने महिलाओं से बात कर उन्हें जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।